जैसे ही आप जी ने युवावस्था में प्रवेश किया तो आप जी के रिश्ते के लिए दूर दूर से लड़की वाले परिवार आने लगे। आप जी को धार्मिक एवं परमार्थी कार्यों में व्यस्त देखकर पहले पहल माता आस कौर जी ने आप जी से इस बारे में चर्चा करना उचित ही नहीं समझा। लेकिन एक दिन माता जी ने आप जी को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा मेरी एक इच्छा है जिसे तुम पूरी कर दो, जो दिल चाहे मांग लो मगर मेरी इच्छा जरूर पूरी कर दो। इस पर आप जी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, माता जी मुझे आपने संसार के सभी सुख दिए हैं, आप हुक्म करो, आप जो हुक्म करेंगी मैं उसी तरह करूंगा। पूजनीय माता जी ने एक बार फिर कहा, बेटा पहले हाँ तो कहो। आपने पूजनीय माता जी के ममतामयी स्नेह का अनुभव कर प्रार्थना की, माता जी पहले क्या मैंने कभी किसी कार्य के लिए मना किया है, मेरी तो हमेशा से ही हाँ रही है, आप हुक्म करो कि मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी करूं। इस पर आप जी को अत्यंत स्नेह प्रदान करते हुए पूजनीय माता जी ने कहा, बेटा मेरी इच्छा तेरी शादी करने की है, इसलिए मैं तेरी राय लेना जरूरी समझती हूँ। पूजनीय माता जी के स्नेहिल वचनों के उत्तर में आप जी ने कहा, माता जी आप ही मेरे सब कुछ हो, आपका हुक्म मेरे लिए सब कुछ है, फिर मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। इस प्रकार आप जी का शुभ विवाह 17 वर्ष की आयु में आदरणीय करतार कौर जी के साथ तय हुआ। आदरणीय करतार कौर जी गांव सद्दा सिंह वाला जिला मानसा पंजाब निवासी सरदार संता सिंह जी की इकलौती बेटी थी। ये रिश्ता आप जी के पूज्य मामा बाबा वीर सिंह जी ने करवाया था। सरदार संता सिंह जी उच्च घराने से संबंध रखते थे तथा गांव के एक बड़े जमींदार थे। उन्होंने पूजनीय माता आस कौर जी से दहेज के विषय में विनती की। उनका विचार था कि उनका पुत्र अत्यधिक जमीन जायदाद का इकलौता वारिस है, अतः उनकी दहेज की मांग हो सकती है। परंतु आशा के विपरीत पूजनीय माता जी ने विनम्र भाव से स्पष्ट शब्दों में कहा, परमात्मा ने हमको सब कुछ दे रखा है, हमें तो एक समझदार व भले घर की लड़की चाहिए थी, वो परमात्मा ने हमें दे दी है, इससे अधिक हमें और कुछ नहीं चाहिए और ना ही इससे बड़ा दहेज हो सकता है। माता जी ने ठोस शब्दों में पूर्ण आत्मविश्वास से आगे कहा, आप मन में कोई शंका मत रखना, हमारे कहने और करने में कोई फर्क नहीं होगा, मुझे अपने मालिक वाहेगुरु पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे वचनों की लाज रखेगा। निश्चित दिन जब बारात सिद्धा सिंह वाला गांव में पहुंची तो सरदार संता सिंह जी ने बारात का भव्य स्वागत एवं खूब सेवा की। शादी के दौरान की एक मीठी याद इस प्रकार है, पूज्य शाह सतनाम जी जब बारात सहित गांव सद्दा सिंह वाला पहुंचे तो गांव के बच्चों ने मंडप में प्रवेश करने के लिए आप जी से 500 रुपए शगुन के तौर पर लेने की शर्त रखी। सभी बच्चे हंसते हुए मिलकर कहने लगे कि आप तो गांव के जेलदार हो, सुना है अच्छे खिलाड़ी भी हो, लेकिन हमारे सामने आपकी एक नहीं चलेगी। भाई हमने भी सुना है कि सद्दा सिंह वालों के लड़के बहुत ताकतवर हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, हम मुट्ठी बंद करते हैं और आप सब मिलकर हमारी मुट्ठी खोल दो तो आपको 500 रुपए तो क्या जितने पैसे कहोगे दे देंगे। ये सुनकर सभी लड़के हंसकर कहने लगे कि मुट्ठी तो हम पल में खोल दें। बस फिर सभी लड़कों ने पूरा जोर लगाया लेकिन वो मुट्ठी नहीं खोल पाए। उन्हें क्या पता था कि वो किसके साथ मुकाबला कर रहे हैं। इस प्रकार आप जी का शुभ विवाह आदरणीय करतार कौर जी के साथ पूर्ण सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार मर्यादा पूर्वक खुशी खुशी संपन्न हुआ। वह बहुत ही भाग्यशाली रूह थी जिसे आप जी की निकटता नसीब हुई। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद जब संतान सुख प्राप्त न हुआ तो आप जी की पूजनीय माता जी व धर्म पत्नी करतार कौर जी चिंतित रहने लगे। पूज्य करतार कौर जी आप जी को दूसरी शादी करवाने के लिए बाध्य करने लगी। आप जी ने पूज्य करतार कौर जी को तो मना कर दिया,
परंतु पूजनीय माता जी को दूसरी शादी के लिए मना नहीं कर पाए। अगस्त 1944 में आप जी की शादी गांव बैनीवाल जिला मानसा पंजाब के सरदार अर्जुन सिंह की सुपुत्री पूज्य गुरुदेव कौर जी के साथ तय हुई। विवाह के उपलक्ष में लगभग 60 बाराती ऊंटों पर व आप जी रथ पर सवार होकर जब गांव बैनीवाल पहुंचे तो पूरे शाही सम्मान के साथ आप जी का स्वागत हुआ। इस प्रकार आपकी शादी संपन्न हो गई। समय बीतने के साथ साथ आप जी के घर दो साहिबजादियां व एक साहिबजादे ने जन्म लिया। उल्लेखनीय है कि उस समय लड़की पैदा होने पर घर में दुख मनाया जाता था, लेकिन आप जी ने लड़के व लड़कियों को हमेशा एक समान ही समझा।